जो नहीं है वो भी फार्मासिस्ट के भी बोल के साथ में डिस्पेंसरी में भी होता है। इस तरह से हमारा जो रोल है वो भी हमारे दरमियान हमारे चीफ केस इशफाक मरवत साहब फोकल पर्सन टू चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम यू सर। दाइयों में कंजूसी तो ना करें प्लीज। नेक्स्ट वी हैव प्लांट मैनेजर जिजान स्पार्मा मिस्टर रफीक साहब कम अप ऑन स्टेज एंड रिसीव योर पार्टिसिपेशन अवार्ड। सर ने हमेशा से YPC को और फार्मासिस्ट को सपोर्ट किया है, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो, ये जो आप सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए, हमारा प्रोग्राम का दस्तूर जारी रहेगा। मैं कुछ शीट्स के लिए इनाम दे रहा हूँ साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब को, आपकी मजबूत ताली।
मोहतरम प्रोफेसर अशद हरीबी साहब, मोहतरमा सहरज साहिबा और फार्मेसी कम्युनिटी के लिए हरदम मुस्तैद तो मेरे छोटे भाई एहसान साहब, रईस अहमद साहब, वकास साहब और दीगर जो मुंतजमीन हैं। और मैं ऐसे मुल्क के लिए, फार्मेसी डिपार्टमेंट के लिए, आवाम के लिए बहुत ही एक अच्छा शगुन समझता हूँ, नेक शगुन समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं 6 साल सेनेट में रहा और इन 6 सालों में तकरीबन 2-2.5 साल मैंने सिर्फ फार्मेसी एक्ट के ऊपर वर्किंग की। मैंने 6 साल में सेनेट में अल्हम्दुलिल्लाह जो गुजारा है वक्त, तो वो ऐसा नहीं कि मैं वहां पे फ्री रहते हैं। मेरा सलाम, मेरा नाम शानाना गुलजार है जी और मैं पेशावर से, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह रब का बहुत रहम है कि बीके से पहली खातून इलेक्ट हुई हूँ नेशनल असेंबली में पिछले 77 साल में। और मेरा इलाका आधा रूरल है यानी दही इलाका है और आधा मेरा इलाका एफआर में है जिसे मर्ज्ड एरियाज बोलते हैं। ये वोट लेना मेरा कोई कमाल नहीं था, ये सबको पता है कि मैं इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ हूँ। ये भी सबको पता है कि हमारे सूबे के लोग, डिप्लोमेसी हमें बहुत कम होती है, तो मैं कुछ उन लोगों में से हूँ जिनको मजबूरन कह लें, दीन से कह लें, कल्चर से कह लें, कुछ सच बोलने का ज़्यादा ही शौक था। तो उस सच बोलने की वजह से मेरे ही लीडर इमरान खान साहब ने मुझे 10 महीने व्हाट्सएप पर ब्लॉक भी किया था क्योंकि मेरी बातें उनको पसंद नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी वहाँ खड़ी हूँ। कोशिश मेरी होती है कि मैं 100% सच बोलूं ताकि किसी का नुकसान भी ना हो, लेकिन कब्र में कब जाना है, किसने जाना है, कोई किसी की सर्टिफिकेट के पास तो है नहीं, वो अल्लाह की मर्ज़ी से जाना है। आज आपके यहाँ बुलाने पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर सेनेटर साहब के साथ मुलाकात हुई, बात हुई। सेनेटर साहब हमारे सीनियर हैं, मैं के साथ फ़लस्तीन की जो कैंपेन है उसमें काम करती हूँ। इनकी जो मिसेज है मोहतरमा मेरा तैयबा साहिबा और उनका एक बेटा, आपको पता होगा कुछ दिन पहले उनको अगवा कर दिया था इस्लामाबाद।